धीरेन्द्र, जरा प्लीज अरविंद से बात कीजिए और बताइए कि क्या कर्नाटक के जजमेंट को एक तरह से बेंचमार्क माना जा सकता है भविष्य में भी अगर इस तरह के फैसले सामने आते हैं राज्यपाल के द्वारा? लार्जर बेंच जी, क्या ये चीजें राज्यपाल को लेकर स्पीकर को लेकर जो चीज है जैसे ये एंट्री मॉडर है तो क्या उसी पर ये लार्जर बेंच बहस करेगी या क्या कहा गया आगे? देखिए, लार्जर बेंच की बात नहीं कही है। कोर्ट ने कहा है कि 8 हफ्ते के बाद ये मामला दोबारा सुनवाई के लिए लगेगा। जो रिजॉइंडर है वो फाइल करने के लिए कहा गया है कि तमाम पक्षकारों को। लेकिन कोर्ट की दो बातें बहुत अहम है, दो टिप्पणी थी। वो ये कि कोर्ट ने कहा, जस्टिस रमना ने अपने आदेश में कहा कि टू प्रिवेंट हाउस ट्रेडिंग, यानी कहीं ना कहीं जो खरीद फरोख्त का भय जो जताया जा रहा था शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन की तरफ से कि अगर तुरंत फ्लोर टेस्ट नहीं होता है तो ऐसी सूरत में हाउस ट्रेडिंग हो सकती है, खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा, कोर्ट ने इस बात को माना और इसी वजह से तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कहा है, कल तक का वक्त दिया है। दूसरी बात यह कि कोर्ट ने एक बात और अहम कही है, वो ये कि जब आदेश पढ़ा जा रहा था तो शुरुआती जब हिस्सा पढ़ा जा रहा था उसमें कहा कि 1 महीने का वक्त हो चुका है यानी चुनाव रिजल्ट आने में और उसके बाद अब तक विधायकों ने औथ नहीं ली है, तो तुरंत प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाए, विशेष सत्र बुलाया जाए और तुरंत विधायकों को शपथ दिलाना जरूरी है। यानी कहीं ना कहीं जो गठबंधन की तरफ से अर्जेंसी की बात कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि प्रोटेम स्पीकर की ही देखरेख में ये फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि मुकुल रोहतगी और जब तुषार मेहता थे उनका यह कहना था कि इसमें कोई अर्जेंसी की जरूरत नहीं है, प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएं उसके बाद विधायक स्पीकर चुने और स्पीकर के अंडर में फ्लोर टेस्ट हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि फ्लोर टेस्ट की जो पूरी कार्यवाही है वो प्रोटेम स्पीकर के अंडर में ही होगी, तुरंत प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाए और हाउस ट्रेडिंग, टू प्रिवेंट हाउस ट्रेडिंग, ये शब्द थे जस्टिस रमना के जब वो आदेश पढ़ रहे थे, हम ये तुरंत फ्लोर टेस्ट का आदेश देते हैं।